खाने के लिए आए थे भाई और जेल हो गई, क्या बताएं आपको। तो यह है भागलपुर का द सेंट्रल जेल रेस्टोरेंट, जो भाई तहलका। कितना रेटिंग? 5/5 मिल गया भाई। हाय कर दीजिएगा। हाय, ये सर भागलपुर ही है, भागलपुर से ही है। हेलो नमस्कार, तो कैसे हो आप सभी? आप सभी का फिर से एक नए वीडियो से मैं कुंदन कुंद भागलपुर बिहार से। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी दोस्तों, कुछ दिनों से मैं ब्लॉग नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि मेरी एग्ज़ाम चल रही है, इसलिए रेगुलर ब्लॉग नहीं आ रहा। पर भाई यह ब्लॉग काफ़ी धमाल मचाने वाला है। अभी जो है भागलपुर में तहलका मचा रहा है, सेंट्रल जेल नाम से रेस्टोरेंट है भाई, उसी का ब्लॉग होने वाला है A to Z। हमारे साथ बना रहिएगा, इसके साथ मैं बताऊँगा लोकेशन क्या है इसका और कहाँ पर अवस्थित है, A to Z क्या प्राइस है, अच्छा है या नहीं है, वो सारा इस ब्लॉग में कवर करने वाला। हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बगल भाई घंटी का बटन है उसे ही प्रेस करना बोले। आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो @MarkMundan नाम से। चलिए आपका समय लेते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पर जाते हैं। लोकेशन की अगर बात करूँ तो मैं खलीफाबाग चौक से आप उत्तर की ओर जो रोड आती है नागरमल मॉल, उसी रोड में आप 200 मीटर चलिएगा तो हरिओम ज्वेलर्स के जस्ट बगल में ही आपको मिल जाएगी यहाँ पे द सेंट्रल जेल रेस्टोरेंट, जो काफ़ी फेमस है भाई भागलपुर में, तहलका मचा रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे पीछे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पीछे जो लिखा हुआ है द सेंट्रल मॉल, यही है द सेंट्रल जेल रेस्टोरेंट, यही है काफ़ी जो तहलका मचा रहा है भाई। तो भाई द सेंट्रल जेल रेस्टोरेंट आप भागलपुर, ये आप देख सकते हो खतरनाक वाला लुक लेके एकदम तैयार है। अंदर जैसे ही जाएंगे भाई, अभी मतलब यहाँ का जो आउटलुक दिखेगा यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मतलब डेकोरेटेड है। वैसे आज वैलेंटाइन डे भी है तो डेकोरेट वगैरह किया गया, बैलून वगैरह उसी की चीज़ लिए लगाया गया होगा। चलिए अंदर जाते हैं। और तो भाई फाइनली मैं आ गया हूँ अंदर। अंदर का अगर आप जैसे ही आओगे यहाँ पे एक कैदी मिलेगा आपको, और उसके बाद लिखा हुआ I love TCJ, मतलब द सेंट्रल जेल भागलपुर का काफ़ी ज़्यादा। और इंटीरियर पार्ट्स अगर जैसे मैं अगर अंदर जाऊँगा तो आपको इस तरह का चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसका जो डेकोरेशन वगैरह इंटीरियर पार्ट का ना काफ़ी ख़तरनाक है भाई, और मेरे पीछे इस तरह के लुक आपको देखने को मिलेंगे, एकदम ख़तरनाक सा एकदम अच्छा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 5 सेल है, सेल का मतलब जेल भाई। आपको ये 5th नंबर का रहा, ये भाई कैदी नंबर 5 जेल में। उसके बाद आपको इधर ये 4 इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और ये रहा आपको इसमें 3 तो नहीं होता, 2 हो गया, और दरोगा साहब यहाँ पे हैं। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मतलब जो भी यहाँ पे मतलब भोजन वगैरह कर उसको बंद करते हैं या सिर्फ कैदी को बंद करते हैं? नहीं, यहाँ हम कैसा करते हैं कि जिनको खाने का जुर्म करते हैं, जो खाने का जुर्म करते हैं, खाना खाने का जो जुर्म करते हैं, उनको हम यहाँ जेल में बंद करते हैं। वैलेंटाइन डे है तो लोगों वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। हाँ, कुछ डेकोरेशन वगैरह किया गया है यहाँ पे, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन वगैरह सारा चीज़ आप कर सकते हो। हाँ, और आउटलुक्स वगैरह इंटीरियर पार्ट्स वगैरह का अगर बात करूँ तो ये सारा चीज़ है। और कुछ चीज़ें हैं अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे भाई, यहाँ का शेल्फी पॉइंट गर्दा है, ये रहा है अगर कोर्ट, मतलब अगर आप जुर्म किए हुए तो यहाँ पे आपका कोर्ट के जज साहब जो हैं आपको जो भी आपको सज़ा मिलेगी जिस जेल में आपको जाना होगा उसमें आप बंद हो सकते हैं यहाँ का ही चीज़। और सेल्फी के लिए एक आजकल तो भाई ये तो कॉमन है, हर जगह मिलेगा आपको, और इस तरह का लुक आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जो है अगर मैं दिखाऊँ तो कुछ लोग यहाँ पे खाए हुए हैं, आइए इनसे रिव्यू वगैरह लेते हैं, क्योंकि जिन्होंने टेस्ट किया है उन्हें ही पता होगा यहाँ किस तरह का फूड
मिलता है। तो ये लोग यहाँ पे आई हुई हैं, आप मतलब आपका नाम क्या हुआ? रोजी विंसेंट। मतलब भागलपुर में एक कुछ अलग अंदाज, मतलब द सेंट्रल जेल तरह का बनाया गया है, मतलब जेल में खाने का एक खास मजा होता है, कैसा लगा यहाँ का भोजन वगैरह? कैसा? बहुत अच्छा लगा, और खाना तो अच्छा ही था, टेस्ट भी था। ऐसा नहीं कि सेंट्रल जेल में जो खाना होता है नाम बदनाम होता है, वैसा नहीं है, बहुत अच्छा था। और फोटो सेशन के लिए भी बहुत अच्छा, यहाँ के स्टाफ भी बहुत सारे अच्छे हैं, है ना। सर्विस कैसा मिला? सर्विस भी अच्छा था, नंबर वन, मुझे बहुत पसंद आया। मतलब अगर बात करूँ ये सारे, अब मतलब कैसा लगा, मतलब यहाँ बहुत अच्छा लगा। भोज फूड कैसा था? फूड भी अच्छा था। फाइव में से कितना रेटिंग दीजिएगा? फाइव। फाइव आउट फाइव मिल गया भाई, मतलब अच्छा है, एक बार हाई कर दीजिएगा। चलिए कुछ मेन्यू वगैरह के यहाँ के बारे में पूछते हैं, किस किस तरह के आइटम्स, फूड आइटम्स यहाँ पे मिलता है। तो फिलहाल एक भैया यहाँ पे हैं, क्या नाम है? सुमन कुमार। तो मतलब भागलपुर में कुछ यूनिक ये रेस्टोरेंट्स बना, द सेंट्रल जेल, मतलब कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा पब्लिक का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे रेस्टोरेंट का, बहुत अच्छा चलता है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे विजिट करते हैं पर डे। मतलब किस किस तरह के फूड्स यहाँ पे अवेलेबल है? हमारे पास साउथ इंडियन नहीं है, बाकी तंदूर इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन, ठीक है, ये सारे फूड हैं। मतलब भागलपुर के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें और देखें, बहुत अच्छा है, यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी फूड है, और रेस्टोरेंट का लुक तो आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, तो ज़रूर एक बार ज़रूर विज़िट करें। फिर आप जो है यहाँ पे एक बार विज़िट करें, आप ज़रूर यहाँ के फैन हो जाएंगे और आते रहेंगे यहाँ पे कंपलसरी। थैंक यू भैया, वेलकम। तो भाई आप देख रहे हो, मेरे को जेल हो गई है, खाने के लिए आए थे भाई और जेल हो गई, क्या बताएं आपको। तो यह है भागलपुर का द सेंट्रल जेल रेस्टोरेंट, जो भाई तहलका मचा रहा है यहाँ पे, यहाँ आ सकते हो। जेल में किस तरह से खाना परोसा जाता है वैसा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अच्छी क्वालिटी का फूड मिलेगा, क्योंकि भागलपुर में कुछ यूनिक हुआ है। तो आप आइए यहाँ पे, और इसका लोकेशन में भाई का अगर मैं बात करूँ तो लोकेशन है खाली भाबा चौक से उत्तर आइएगा नागरमल मॉल, उसे जस्ट बिफोर ही थोड़ा सा, मतलब 50-100 मीटर आगे आपको यह रेस्टोरेंट मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा है। और हाँ, पूरा ब्लॉग को अगर आप देखे हैं तो भाई कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको रेस्टोरेंट, भोजन का आनंद वगैरह ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बल भाई घंटी का बटन है उसे भी प्रेस करना भूल। आप मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो @MarkKu नाम से। तो मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।